हेलो स्टूडेंट इन दिस वीडियो आई गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड हियर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन दिस वीडियो वी अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम फर्स्टली इंट्रोडक्शन को समझते हैं बायो एंड इट्स एप्लीकेशन को एंड देन इनमें एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन सो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने बायोटेक्नोलोलोलोलोलॉजी क्या है इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था इसकी प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था इसके मैथड्स को अंडरस्टैंड किया था मीन्स बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के चैप्टर को इंट करने के बाद न्यू चैप्टर जो है वो है बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन सो इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ थिंक को समझते हैं तो यहाँ पर जो मेडियप्लीकेशन दिए हुए हैं वो एप्लीकेशन कुछ ऐसे हैं कि हम इनका यूज़ करते हैं मेडिसिन को फॉर्म करने में एग्रीकल्चर में करते हैं पावर इंडस्ट्री में करते हैं एनवायरमेंटल प्रोडक्शन में करते हैं देन फूड इंडस्ट्री में करते हैं एंड केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं सो so मेनली ये इनके एप्लीकेशन है एंड मैं यहाँ पे ये यह भी कहूँगा एटसेट्रा दैट मीन्स कि इनके साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं इनके सो so जिन्हें हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं सो फर्स्ट थिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी में हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स को फॉर एग्जांपल्स वो माइक्रोब भी हो सकते हैं फंजाई भी हो सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को सो so, इनका यूज़ हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में एंड साथ ही साथ कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम को फॉर्म करके एंड ऑल्सो ईयर इनके एप्लीकेशनस की बात करें सो so, थर्पेटिक्स मिजर्स में डायग्नोस्टिक में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर्म करने में एग्रीकल्चर की फील्ड में एंड ऑल्सो प्रोसेस्ड फूड फॉर्म करने में बायो रेमेडिएशन फॉर्म करने में वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नेक्स्ट थिंग है मेजर रिसर्च एरिया जो भी हैं बायोटेक्नोलॉजी में इनमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि मोस्टली हम कुछ कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे हम माइक्रो माइक्रोआर्गेनिज़म का यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो हम कुछ ऐसे थिंग्स को भी क्रिएट करते हैं कैटालिस्ट फंक्शंस को भी फॉर्म करते हैं जहाँ पे ऑप्टिमल कंडीशन फॉर्म करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डेवलपिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू भी हम ये मेथड फॉलो करते हैं तो ये इनके मेजर रिसर्च एरिया होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है और वो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में क्या इम्पॉर्टेंस थी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने की और साथ ही साथ इनके क्या मेजर रोल रहे हैं या क्या एवेल्यूशन इन थिंग्स का है इन्हें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी अप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सो इन एप्लीकेशन को अगर हम समझें तो फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से हमारा मेनली जो इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो होगा फूड प्रोडक्शन से सो so हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है हमको जो हमारी यील्डिंग है उसे हाई करना है और उसके केस को हम अचीव कर सकते हैं थ्री मेथड्स के थ्रू फर्स्ट थिंग है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को करके ऑर्गेनिक कल्चर का फॉर्मेशन करके या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन करके सो so, इस केस में जो फर्स्ट थिंग आती है वो फर्स्ट थिंग आती है अबाउट देयर ग्रीन रिवोल्यूशन स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जिसे आप अच्छे से समझते भी हैं प्रीवियस आपने क्लासेज में इनको पढ़ा भी होगा रूट भी किया होगा ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है तो ग्रीन रिवोल्यूशन को हम बोलते हैं हरित क्रांति ठीक है मतलब जो भी चीज़ें हैं हरी चीज़ों को इंक्रीज करना एक तरीके से रिवोल्यूशन लाना मीन्स प्लांट के केसेस में प्लांट को हम इतना प्रोड्यूस करें कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो फीड कर सके उन चीज़ों को सो तो इससे रिलेटेड क्रॉप के फील्ड पे मेजर रिवोल्यूशन किया गया सो so, इंडिया में अगर नाम लें हम ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर का तो एम एस स्वामीनाथन जी को बोला जाता है जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया एंड अगर वर्ल्ड के बेस से बोलूँ तो नॉर्मन ई बोर् ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रॉप के फील्ड पे बहुत ज़्यादा वर्क किया साइंटिफिक वर्क किया और क्रॉप की प्रोडक्शन को एडिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं क्रॉप की वैराइटीज़ को यूज़ करते हैं क्रॉप की प्रैक्टिस करते हैं और एग्रो केमिकल्स के यूज से मीन्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के यूज से हम क्रॉप की एडिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो ये तो फैक्ट था अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन फूड की सप्लाई ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू ट्रिपल डिटो हुई बहुत ज़्यादा हुई लेकिन क्योंकि दिन पे दिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है सो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए भी ये इनकम्प्लीट थी और आप जानते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रो केमिकल मीन जो भी फर्टिलाइज़र हैं या पेस्टिसाइड है इनका यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल की फ़र्टिलिटी भी टाइम पे डिक्रीज़ हो जाएगी एक टाइम पे जाके और साथ ही साथ जो फार्मर्स है, हैं मोस्टली इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इनसे हमारी ईडिंग ज़्यादा तो हो रही है लेकिन जो भी हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग है वो अच्छी नहीं हो पा रही है तो ये थिंग्स थी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के के केस में आई आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस किए गए उसके बाद में कुछ ऐसी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थी मींस हमने उनके जी में या फिर उनके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को फॉर्म कर सकें सो so यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि जीएम प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को फॉर्म करने में यूज़ किए गए हैं सो स्टूडेंट इनके केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फॉर्म की गई और वो जो इंपॉर्टेंट चिंग फॉर्म की गई वो था गोल्डन राइस मीन्स यहाँ पे जो भी इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बेस पे एक राइस फॉर्म किया गया जिसे कि हम गोल्डन राइस बोलते हैं मीन्स जो ओराइजा सटाइवा हमारा प्लांट होता है उसमें हमने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड किया और उसे मॉडिफाइड करने के पीछे हमारा जो बेस था वहाँ पे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हमें मेंटेन करना था मींस ये होता है कि अगर हमें राइस का कलर गोल्डन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें बीटा कैरोटीन पिगमेंट है जो कि एक प्रो विटामिन ए पिगमेंट है उसे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है और उसकी उसी रीज़न से यहाँ पे जो हमारा राइस है उसका कलर हमें कैसा दिख रहा है गोल्डन कलर में दिख रहा है नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये है कि ये हमने किया क्यों कि इम्प्लीमेंट क्यों किया ऐसा तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे जहाँ के लोगों की डाइट में विटामिन ए प्रॉपर नहीं प्रेजेंट होता तो उनकी डाइट में हमें विटामिन ए शामिल करने के लिए हमने क्या किया गोल्डन राइस फॉर्म किया जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है सो so ये फर्स्ट थिंग है नेक्स्ट थिंग यहाँ पर अंडरस्टैंड कराता हूँ मैं आप लोगों को जो दूसरी चीज़ है वो है बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट मीन्स कि जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उनके जीन्स को हमने उनके उस जीन्स को जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम उन चीज़ों को रिकॉम्बिनेंट डी के थ्रू एंड देन उसके बाद ऐसे प्लांट जो कि पल्स प्लांट नहीं है दाल वाले पौधे नहीं हैं उनमें हमने इंट्रोड्यूस किया और उसके थ्रू हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को कराया उन प्लांट में और इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि जो भी हमें फ़र्टिलाइजर्स ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पड़ रहे हैं नाइट्रोजन वाले फ़र्टिलाइजर चाहे वो यूरिया हो या एन हो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है साथ ही साथ नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे टॉलरेंस टू ए बायोटिक स्ट्रेस हम कुछ ऐसे प्लांट्स फॉर्म करते हैं जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े या ड्रॉट रहे या साल्ट रहे या हीट रहे तो ऐसे प्लांट के ऊपर कुछ इन ए बायोटिक फैक्टर्स का कोई भी इफेक्ट ना पड़े इम्पैक्ट ना पड़े साथ ही साथ फोर्थ रीजन की बात करूँ तो so, यहाँ पर रिड्यूस करना है हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स को सो so हमें ऐसे भी क्रॉप्स जो है पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप को फॉर्म करना है जीएमओ के थ्रू उसके साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस करना है कि जब हम जो भी क्रॉप्स हैं जब हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रेजिड्यू हमारे पास रह जाता है जो कि हमारे किसी भी यूज़ का नहीं होता है और उसे बर्न कर दिया जाता है या ऐसे ही फील्ड्स में थ्रो कर दिया जाता है तो इसे भी हमें क्या करना है इस लॉस को भी घटाना है साथ ही साथ नेक्स्ट थिंग जो है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाई प्लांट्स हमें प्रिवेंट्स करना है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को हमेशा मेंटेन रखना है कि प्लांट बहुत ज़्यादा मिनरल्स को यूज ना करें सॉइल से देन प्रोडक्शन ऑफ अ डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप ऐसी क्रॉप्स को हमें इंट्रोड्यूस करना है ऐसी क्रॉप्स हमें फॉर्म करना है जी के थ्रू जिनमें कि कोई डिजीज ना हो वो पेस्ट से अपने आप को कंफर्टेबल फॉर्म कर सकें देन माइक्रोप्रपगेशन की प्रोसेस हम कर सकें बायोमास या एनर्जी का प्रोडक्शन भी इन क्रॉप्स के थ्रू कर सकें सो मेनली ये जी के कुछ एग्रीकल्चर uh, में यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम प्रेजेंट टाइम पर यूज़ कर रहे हैं सो so कुछ यहाँ पे टॉप टेन सेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अंकल जो हैं ये जुटे हुए हैं और इस प्लांट्स में आप खास बात देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लांट है इस स्लाइड में आप देख रहे हैं न्यू थिंग्स यहाँ पे फॉर्म है टोमेटो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो और ये इन्होंने क्या किया डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं और ऐसी वेराइटीज़ यहाँ पे इन्होंने फॉर्म किए हैं तो पी है डेयरी प्रोडक्ट है कॉटन सीड राइस कॉर्न ये सब टॉप टेन जी एम ओ फूड्स प्रोडक्ट्स होते हैं नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है बेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में बात करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में कि हम इन्हें कैसे फॉर्म करते हैं सो so, बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में मैंने आपको ये चीज बोली है कि भले हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि वो उस पॉपुलेशन का पेट नहीं भर सकता वो प्रोडक्शन तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ें फॉर्म करनी है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो प्रोडक्शन भी अच्छा हो और हमारी सारी चीजें ठीक ठाक चलती रहें सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो हम एग्रीकल्चर में फॉर्म कर रहे हैं वो हमें रिड्यूस करना है पेस्टिसाइज़ का यूज क्योंकि आप जानते हैं कि इनका बहुत ही हार्मफुल इंपैक्ट प्लांट के ऊपर भी पड़ता है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी पड़ता है और जो हमारी इकोलॉजी है जो हमारी फूड चेन है उसके ऊपर भी इनका बहुत ही ब्रॉड इंपैक्ट पड़ता है सो so, इन सारी चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए एक अप्रोच है जो कि दी गए दिया गया है और उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ बी टी टॉक्सिन ऑफ टारगेट प्लांट सो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं बायो टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू जिन्हें कि हम बी टी क्रॉप्स बोलेंगे सो बी टी क्रॉप्स है? समझते हैं और यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल कुछ क्रॉप फॉर्म भी की हम बोलते बोलते राइस बोलते हैं टोमेटो पोटैटो सोयाबीन जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बीटी टॉक्सिन के थ्रू फॉर्म कर रहे हैं पेस्टिसाइड रिड्यूस प्लांट्स को बीटी टॉक्सिन होता क्या है ये प्रोड्यूस किया जाता है बैसिल नाम के एक बैक्टीरिया से एज एट्लियर सो बीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ बैसुलस थ ओके तो यहाँ पे हम क्या मॉडिफाई कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बी टॉक्सिन जीन क्या होता है इसे हम क्लोन कर लेते हैं क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस टू प्लांट टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रैक्ट नो नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड जिसे कि हम बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं मतलब ये जो बी टॉक्सिन है बैक्टीरिया में प्रेजेंट है मीन्स इसका कोई जीन होगा जो कि इस टॉक्सिस सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा होगा तो हमने उस जीन को क्या किया एक्सट्रैक्ट कर लिया इस बैक्टीरिया से और फिर उसे हमने उस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जो कि टारगेट प्लांट था अब अगर कोई भी इंसेक्ट उसे ईट करेगा तो वो इंसेक्ट किल हो जाएगा डेथ हो जाएगी उसकी तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये ओवरऑल होता कैसे है सो स्टूडेंट ही हमने क्या किया हमने सबसे पहले बैक्टीरिया इंटेक की जिसे कि हम बैसिलस थ्यूरीजेनिस बोल रहे हैं इसके पास वो डी प्रेजेंट है इसके पास वो जीन प्रेजेंट है जिसको जिसमें कि ये क्वालिटी है बी टॉक्सिन के फीचर्स की उसे हमने सबसे पहले उस डीएनए सेगमेंट से आइसोलेट किया आइसोलेट करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसे क्लोनिंग फॉर्म की मतलब एक से एक जीन से बहुत सारे जीन्स के स्ट्रक्चर फॉर्म किए उसके बाद हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया होस्ट सेल में क्लियर है होस्ट सेल का उसके बाद हमने क्या किया कल्चर फॉर्म किया एक से बहुत सारे कल्चर फॉर्म किए एंड देन उसके उसको हमने सेल या टिश्यू कल्चर फॉर्म करने के बाद उस टिश्यू कल्चर के प्लांट्स को ग्रो कराए जिसे कि हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में बोलते हैं तो इस मैथड्स के थ्रू हम यहाँ पे इस प्रोसेस को डन कर रहे हैं अब हम इन थिंग्स को फैक्ट वाइज अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फैक्ट की बात करें सो बैसिलो थेन्सिस जो है इसके पास एक प्रोटीन होती है टॉक्सिक सब्सटेंस सिंपल सी बात है प्रोटीन नेचर उनका होता है ये क्या करते हैं किल्स करते हैं इंसेक्ट को फॉर एग्जाम्पल टेरेंस एक इंसेक्ट है जो कि ये किल करते हैं एंड मेनली इनके लार्वा को किल करते हैं देन उसके बाद जो भी बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं वो खुद ही एक्सप्रेस होते हैं इट एक्सप्रेस होते हैं प्रोटीन कैटालिस्ट करते हैं और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बीटीटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है भाई सिंपल बात आपके माइंड में हो रहा होगा कि अगर ये टॉक्सिक ही है तो उस बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं हार्म कर रहा है तो क्योंकि ये जब बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट है तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसलिए उसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता सो इनएक्टिव फॉर्म में इसे हम प्रोटोटॉक्सिन्स बोलते हैं जो कि इन सेशन हम करते हैं अगर इंसेक्ट की बॉडी में तब जाके ये एक्टिवेट फॉर्म में चेंज होता है और ये एक्टिव तभी होगा जब इसे अल्कलाइन मीडियम मिलेगा उसके जो भी इंसेक्ट है उसके इंटेस्टाइन में सो so, इस प्रोसेस को भी हम समझते हैं एंड देन जब ये एक्टिव हो जाएगा उस बैक्टीरिया में उसकी इंटेस्टाइन में जाके उसके एपिथेलियल सेल्स में जाके तो वहाँ पे ये इंक्रीज करता है पोर्स का फॉर्मेशन करेगा स्वेलिंग की प्रोसेस करेगा और वहाँ पे स्वेलिंग होने के बाद वो सेल जो है एपिथेलियल सेल जो है जो कि उसके इंटेस्टाइम वॉल में प्रेजेंट है वो बस्ट हो जाएगी और जो भी इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी सो बीटी टॉक्सिन जो है वो आइसोलेट करते हैं हम बैक्टीरिया से जो कि कोड करते हैं जीन जैसे कि हम जीन बोलते हैं so, सो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन क्या है क्राई प्रोटीन क्या है सो क्राई प्रोटीन्स के ही ग्रुप को क्राई प्रोटीन्स क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इंडोटॉक्सिन सब्सटेंस हम बोल सकते हैं सो so यहाँ पे ये क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं तो इन्हें क्रिस्टल एंड प्रोटीन्स बोलते हैं और इनके ग्रुप्स को हम जीन बोल देते हैं जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है इंसेक्ट्स के लार्वा के लिए नेक्स्ट इसे हम क्या करते हैं इन कॉर्पोरेट करते हैं क्रॉप में ताकि जो भी हमारी क्रॉप्स हैं उनमें मोस्टली ये इंसेक्ट जो भी हार्मफुल अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो हार्मफुल एक्टिविटी ना कर पाएँ तो स्टूडेंट हियर इनकी लाइफ साइकिल को समझते हैं लाइफ साइकिल में आप जानते हैं बी टी टॉक्सेंस में हमने क्या कर रखा है हमने सबसे पहली जो स्टेज किया है बैक्टीरियल स्पोर्ट्स या फिर जो बी टी जीन्स हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया प्लांट्स में कॉर्न प्लांट्स में जहाँ पे बीटी जीन को ट्रांसफ़र किया है बैसिलस इस्पोर्ट्स को हमने ट्रांसफर किया है कॉर्न प्लांट में अब उसके बाद जब कॉर्न प्लांट में ये कॉर्न बोरर ऑर्गेनिज्म जो है लार्वा इनको फीड करने आएगा इनको खाने आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनकी बॉडी में उस प्लांट से कॉर्न प्लांट की बीटी प्रोटीन वो इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी बीटी प्रोटीन ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा कि इस लार्वा की बॉडी के अंदर ये बीटी प्रोटीन जो है वो पेनिट्रेट होगी एंड देन उसके बाद इसकी इंटेस्टाइन के पास घट वॉल के पास ये जाएगी और जैसे ही उसके पास रीच करेगी तो आप जानते हैं इसे अल्कलाइन मीडियम मिलेगा वहाँ पे और एल्कलाइन मीडियम मिलने पर ये जो प्रोटीन थी वो एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद ये अपनी एक्टिविटी शुरू करेगी स्टार्ट करेगी और एपीथीलियल सेल्स के साथ ऐड होकर के और एपीथीलियल सेल्स में पोर का फॉर्मेशन करेगा जिससे एपीथीलियल सेल्स क्या हो जाएंगी सॉलिन हो जाएंगी सोलिन होने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये सेल्स बस्ट हो जाएंगी और बस्ट होने के बाद आप जानते ही हैं उस इंसेक्ट या उस लार्वा की डेथ हो जाएगी तो हमने सबसे पहले समझा कि बीटी जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है स्प्रे किया हमने क्रॉप पे देन उसके बाद ये जो क्रॉप है इसको जब ईट करेंगे इंसेक्ट तो ये टॉक्सिक सबसे एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा जब वो उनके एल्कलाइन मीडियम वाले गट में पहुंचेगा इंटेस्टाइन में पहुंचेगा देन इनकी जो स्वेलिंग हो जाएगी गट के पोर्शन में इंटेस्टाइन में एंड देन उसके बाद डेथ हो जाएगी उस इंसेक्ट की तो ये तो लाइफ साइकिल थी ओवरऑल आई होप आप इन थिंग्स को समझ पाए होंगे नेक्स्ट थिंग को समझते हैं जो कि है बेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इट मीन्स अब हमको दूसरे मैथड्स के थ्रू हम यहाँ पे जो भी प्लांट्स फॉर्म करने वाले हैं उन्हें हम बोल रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जिसे कि हम आर एन ए आई टेक्निक भी बोलते हैं मीन्स आर एन ए मीडिएटेड इंटरफेरेंस टेक्निक के थ्रू हम इस प्रोसेस को करते हैं तो करते कैसे हैं इसे समझते हैं सबसे पहले हमने बीटू टॉक्सिंस के बारे में समझा जो कि नॉट टॉक्सिक थे ऑल प्लांट्स के लिए क्योंकि ये स्पेसिफिक कुछ इंसेक्ट्स के ही लिए स्पेसिफिक फंक्शन शो कर रहे थे फॉर एग्जांपल डिप्टेरा जो जीनस है प्टेराजीस है उसके साथ ही साथ लेपडो लेप्डो लेप्डोपटेराजीनस इन्हीं के लार्वा पे ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं बाकी नहीं तो अब हमें ऐसे भी कुछ प्लांट चाहिए जो दूसरे डिफरेंट प्लांट्स पे भी अपनी एक्टिविटी शो कर सकें और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट फॉर्म कर सकें सो so उसके लिए यहां पे अनदर अप्रोच जो लाया गया बुलाया गया जिसे कि हम बोलते हैं आर एन ए आई दैट मीन्स आर एन ए इंटरफेरेंस आर एन ए इंटरफेरेंस हम जिन प्लांट्स के केसेस में कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं टोबैको प्लांट्स आप जानते हैं कुछ ऐसे टोबैको प्लांट्स हैं जिनमें निमेटोड्स इन्फेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं मिलियो डेगाइना इनकोगनीटा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रूट्स ऑफ टोबैको को इन्फेक्ट करते हैं और उससे उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं जिससे कि टोबैको का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता सो तो इसलिए ये ऐसा अप्रोच कर रहे हैं तो अब हमें इनसे क्या करना है रजिस्टेंस फॉर्म करना है टोबैको प्लांट्स को सो so, हम इस मेथड्स को जो भी ये प्रिंसिपल आर का प्रिंसिपल आर को यूज़ करने वाले हैं आर को प्रोसेस में लाने वाले हैं इसे हम बोलते हैं साइलेंसिंग ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन ए दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एम आर की एक्टिविटी शो होगी या आर की एक्टिविटी शो होगी ये क्या करेगा ये यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ही साइलेंट कर देगा मीन्स वो प्रोटीन ही नहीं फॉर्म होने देगा और प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा तो ये साइलेंसिंग प्रोसेस के थ्रू इसे पेस्ट रेजिस्टेंस फॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगा सो so, यहाँ पे हम क्या करते हैं आर ए एन आई आर एन ए आई जो है वो टेक्स प्लेस होता है इन ऑल यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फॉर द सेल डिफेंस प्रोसेस के थ्रू इसमें हम साइलेंसिंग एम आर एन ए की प्रोसेस करते हैं ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए के थ्रू और जहाँ पे आर एन ए मॉलिक्यूल्स जो है अगर वो डबल स्टैंडर्ड होंगे तो आप जानते हैं कि ये एम आर एन ए के स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रिवेंट करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आर एन ए सिंगल स्टैंड का रिक्वायर होता है ना कि डबल स्टैंड का तो इनका सोर्स क्या होता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए का कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए का तो हम इन्हें मोस्टली ट्रांसपोजन्स की प्रोसेस के थ्रू मतलब जेनेटिकली हम इन्हें फॉर्म करते हैं जेनेटिकली इन्हें मॉडिफाई करते हैं सो so, यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है समझते हैं यहाँ पे जो भी हम फैक्टर यूज़ करने वाले हैं आप जानते हैं प्लांट्स के केसेस में मोस्टली एग्रो बैक्टीरियम जो मिफेंसेज हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इन्हें हम जेनेटिकली प्रोसेस में मॉडिफिकेशन की प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं टू तो इंट्रोड्यूस नमेटोड स्पेसिफिक जीन इनके थ्रू हम स्पेसिफिक जो निमेटोड जीन्स है उसको रिकॉम्बिनेंट फॉर्म किया हमने एंड देन उसके बाद न्यूमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है ट्रांसजेनिक प्लांट मीन्स होस्ट प्लांट में होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बोथ स्ट्रैंड दैट मीन्स सेंस एंड एंटी सेंस दोनों आर एन ए जो है प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर दैट क्योंकि जब सेंस और एंटी सेंस दोनों फॉर्म हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए का फॉर्मेशन करेंगे और इसी प्रोसेस को हम इनिशिएट आर एन ए आई और ये यहाँ पर प्रोसेस जो भी आर एन ए मीडिएटेड इंटरफेरेंस है उसे ये यहाँ पर फॉर्म करेगा उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब निमेटवुड इन्फेक्ट करेगा इन प्लांट्स को तो क्योंकि हमने निमेटोड का जीनोम इसमें फॉर्म कर रखा है प्रोड्यूस कर रखा है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म होने की वजह से जो भी साइलेंसिंग स्पेसिफिक एमआरएनए की प्रोसेस है वो निमेटोड्स में आ जाएगी जो कि इनिशिएट करेगी आरएनए आई की प्रोसेस को जिसकी वजह से जो भी पैरासाइट है जो निमेटोड है वो बहुत ज़्यादा देर तक इस रूट में जो भी टोबैको प्लांट्स की रूट है उनमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डाई हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट हमने फॉर्म किया जो कि रजिस्टेंस है प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है निमेटोड पैरासाइट के प्रति सो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो टोबैको प्लांट है उसमें डेगाइना एक निमेटोड है जो कि प्रेजेंट होता है और ये रूट में इनकी टोबैको प्लांट्स की रूट में इंट्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ इनकी ग्रोथ को भी क्या करता है हार्म करता है ग्रोथ को रिड्यूस करता है तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये इन्फेक्टेड पार्ट दिखा रहे हैं लेकिन जब हमने इन्हें मॉडिफाइड कर लिया देन उसके बाद जब हमने आर एन ए आई टेक्निक यूज़ की तो अब भी निमेट्रोड इनमें इंट्रोड्यूस होने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहा है वो अपने जो भी इन्फेक्शन की प्रोसेस है उसको कॉज नहीं कर पा रहा है तो ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस होती है आर एन ए आई की आई होप आप एग्रीकल्चर में जो भी इनका टेक्निक का यूज़ है वो समझ पा रहे होंगे इसके अलावा फ्लेवर सेवर टोमेटो भी फॉर्म करते हैं हम एग्रीकल्चर के फील्ड में जहाँ पे जो भी एंजाइम्स है जो कि टमाटर को लाल होने में या जल्दी उन्हें राइप करने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं पॉली एंजाइम ओके तो हमने क्या किया इस एंजाइम को ही उस सेल से उस सेल से रिमूव कर दिया है जिससे कि अब जो राइपनिंग की प्रोसेस है टोमेटो की वो नहीं हो पाएगी तो इस तरीके से हम फ्लेवर सावर टोमेटो फॉर्म करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई में उसके अलावा हम कुछ ट्रांसजेनिक uh, और प्लांट्स का भी यूज़ करते हैं और मोस्टली uh, ऐसे थिंग्स को फॉर्म करते हैं जो कि फूड भी प्रोड्यूस करें हमें बहुत ज़्यादा हमारे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ ना हो तो ये सब मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग थी आई होप स्टूडेंट आप इन थिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इन्हें अच्छे से रीड करिएगा अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा थैंक यू